Hello friends, I am from Calvin Institute and my name is Saurabh Singh. Today we are going to study indefinite integral of NCERT. Basically we are going to do exercise 7.2 और ये exercise totally है substitution पर कि substitution किस तरीके से होता है. Substitution का मतलब होता है कि किसी की जगह पर किसी और को बिठा देना. तो इसको किस तरीके से डील करना है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा. मैं यहां पर आप लोगों को कुछ छोटे छोटे सिंपल से फंडे बताता हूं कि आप किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और किसको नहीं करेंगे. कभी भी आप सोचिए कि अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़े इन केस ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम्स डिनोमिनेटर में जो भी चीज दी होगी उसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा. मान लेते हैं कई बार ऐसा नहीं होगा, फिर कहां से होगा सर? दूसरी बार आपको ऐसा मिलेगा अगर वो न्यूमरेटर में भी मिल रहा है. कहां मिल रहा है? न्यूमरेटर में. तो न्यूमरेटर में भी वो टर्म आप सब्स्टिट्यूट करेंगे जो टर्म किसी पावर के अंदर बंद हो, इनबिल्ट हो, पावर ऊपर से लगी हो, होल पावर लगी हो या रूट वगैरह के अंदर फंसा हुआ हो, वो टर्म आप यूज करेंगे, उसी टर्म को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना होगा. सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स. हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, दैट इज 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर. जैसा कि मैंने आपको तीन फंडे बताए कि आप देखिए कि जो आप चीज पुट करने वाले हैं वो आपको डिनोमिनेटर में मिलेगी मैक्सिमम टाइम. अगर डिनोमिनेटर में नहीं मिल रही है तो आपको किसी होल पावर के अंदर बंद मिलेगी. और जिस चीज को आप पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो डेरिवेटिव आता है वो भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है. जैसे कि आप इसको देखिए, अगर मैं इस सेक्शन को टी पुट कर देता हूं, देखिए यहां पर पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टी को मालूम है, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा? 2x dx दैट इज इक्वल टू dt. और ये टर्म आपको ऑलरेडी में गिवन है तो मैं रिप्लेस कर दूंगा. किससे रिप्लेस कर दूंगा? dt से टी. और आपको मालूम और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, दैट इज लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सो वी कैन राइट एज, हम यहां पर जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसको वापस डाल सकते हैं. सो द क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है कुछ इस तरीके से गिवन है, that is log of x the whole square upon of x dx. अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं यानी डिनोमिनेटर को टी पुट कर भी देता हूं तो बाकी की टर्म नहीं आ रही है, यानी पहला पॉइंट मेरा फेल होता है. तो मैं दूसरे पॉइंट की अगर बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या था कि जो भी चीज डिनोमिनेटर में गिवन हो और वो किसी पावर के अंदर बंद हो उसको टी पुट करके देखिए. तो जैसे कि मैं यहां पर अगर मैं टी पुट करके देखूं किसको, ये बंद है किसके अंदर? होल स्क्वायर के अंदर. मैंने log x को t पुट किया और आपको मालूम है log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x dx दैट इज इक्वल टू dt. और आप देख सकते हैं क्लियरली दिख रहा है कि क्वेश्चन में ये टर्म ऑलरेडी अवेलेबल है. सर कहां अवेलेबल है? तो मैंने कहा यहां अवेलेबल है, आप देखिए गौर से. सो फाइनली वी कैन राइट एज, सर कैसे लिख सकते हैं? सर इस सब की जगह हमने क्या लिख दिया और किसको t पुट किया था? इसको. तो ये क्या हो गया? और इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, तो दैट इज एक्स द होल पावर क्यूब अपॉन ऑफ 3c. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो वो किस तरीके से होगा देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक दैट dx अपॉन ऑफ x प्लस x log x. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. देखिए इसमें न्यूमरेटर में कुछ भी गिवन नहीं है, डिनोमिनेटर में बहुत कुछ गिवन है, लेकिन आप उसको अगर टी पुट करने जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर 1 मिल जाएगा और यहां पर आपको इंटरनली प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा और उसको करने के बाद जो भी आएगा वो आपको एज ऑफ कॉस के ऊपर नहीं गिवन है. तो इस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं? तो इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा माइंड यूज करने वाले हैं. आप देखेंगे कि इस सिचुएशन में आप डिनोमिनेटर से इस तरीके से इन दोनों जगह से,
क्या बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा। और अब आपने क्या किया, सिंपली 1 प्लस लॉग एक्स को, किसको, 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट किया, और जब इसका डेरिवेटिव किया तो क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स दैट इज डी टी। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी जो है ये क्वेश्चन में अवेलेबल, कहां अवेलेबल है, यहां अवेलेबल है, आप देखिए ध्यान से। सो मैं क्या करूं, वैल्यू प्लेस कर देता हूं, हेयर इज, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑफ टी प्लस सी वैल्यू इज 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, इजी क्वेश्चन है, हम फटाफट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, 4 की तरफ चलते हैं, देखते हैं फोर्थ क्या है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो आपको कुछ गिवन है, दैट इज साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहां पर, जैसे कि हमने बात की थी कि जो चीज डिनोमिनेटर में हो उसको टी पुट करो ऊपर वाला आ जाएगा, यानी बाकी का हिस्सा आ जाएगा। सर लेकिन यहां तो डिनोमिनेटर ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो मैंने दूसरी बात बोली थी कि जो भी चीज किसी के अंदर बंद हो या होल पावर के अंदर कवर हो रखी हो उसको टी पुट करते हैं। और आप देखिए यहां पर कुछ अंदर बंद है, क्या बंद है, कॉज एक्स, तो मैं सिंपली कॉज एक्स को टी पुट करता हूं और बाकी का सामान मिलेगा मुझे, देखते हैं कैसे। पुट कॉज एक्स दैट इज इक्वल टू टी, और इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। अब आप देख सकते हैं कि इस माइनस साइन को दूसरी साइड ले जाइए, दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। ऊपर देखिए यहां पर क्या है, साइन एक्स डी एक्स, क्या डी एक्स है यहां पर, यस, क्या साइन एक्स है यहां पर, यस, तो इन दोनों को किससे रिप्लेस करेंगे, वो हम रिप्लेस करेंगे माइनस डी टी से। तो जब हम माइनस से डी टी से रिप्लेस करेंगे तो माइनस बाहर आ गया और डी टी यहां पर हो गया, ये दोनों गए और क्या बचा, मैं इसको वापस लिखता हूं, यहां पर बचा साइन ऑफ टी डी टी। और इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, सो द फाइनल आंसर दैट इज कॉस, और टी की वैल्यू जो भी है, क्या है टी की वैल्यू, दैट इज कॉस एक्स प्लस सी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। सो द मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से इजी क्वेश्चन है, देख क्या करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज आई इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इस तरह से कुछ क्वेश्चन गिवन है। तो पहला काम क्या करता हूं कि मैं इनको टी पुट कर लेता हूं, आप देख रहे हैं दोनों ही टर्म सेम है, तो मैंने क्या किया, पुट किया इसको ए एक्स प्लस बी को टी पुट किया, और जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आया, ए डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। और अगले स्टेप में मैं इसको कहां ले जाऊं, डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, ऐसे कुछ। अब आगे मूव कराता हूं मैं, सो द क्वेश्चन इज दैट इज साइन ऑफ टी एंड कॉज ऑफ टी डी टी। किसी भी एक को मैं टी पुट कर लूं या जेड पुट कर लूं, मान लीजिए मैंने इसको जेड पुट कर दीजिए, दैट इज साइन टी दैट इज इक्वल टू जेड, और डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, कुछ इस तरह से आपको मिल गया। सो आप देख रहे हैं कि क्या मिला आपको, कॉज टी डी टी, और जो कि क्वेश्चन में अवेलेबल है कहां पर, यहां पर, तो ये किससे रिप्लेस हो गया, डी जेड से। सो द फाइनल, इसको आपने टी पुट किया है तो ये यहां लिख दिया, इसकी जगह पर डी जेड आ गया है, हमने इसको क्या पुट किया, जेड पुट किया है। सो अब हम आंसर करेंगे इसका, क्या हो जाएगा, दैट इज जेड स्क्वायर अपॉन ऑफ टू प्लस सी, और जो भी आया है अब जेड की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जेड की वैल्यू रिप्लेस करने पर क्या होगा, इधर देखिएगा गौर से, जेड की वैल्यू रिप्लेस करने पर क्या होगा, हमने देखा कि जेड की वैल्यू क्या थी, जेड की वैल्यू देखा था साइन टी थी, तो वो क्या हो गई, साइन टी, और बाहर क्या है, स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, टू, और ये प्लस सी। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, आप देखेंगे टी की वैल्यू भी कुछ थी, टी की वैल्यू क्या थी, दैट इज ए एक्स प्लस बी, तो उसको मैं यहां पर प्लेस कर देता हूं और इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन ऑफ टू
plus C. अब कोई लोग चाहें तो इसको cos की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपके पहले पांच क्वेश्चंस थे, तो अगले पांच क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो को आप देखेंगे। थैंक यू।